नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। देहरादून के वसंत बिहार में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति ने किया आत्महत्या का दावा। वसंत बिहार थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पति का कहना है कि उसने फांसी लगाई है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों का पता लग सकेगा। तो वही वसंत बिहार थाना क्षेत्र के SSIE नवनीत भंडारी का कहना है कि उन्हें सुबह 7 बजे ही कॉर्नेशन अस्पताल के एक महिला की मृत्यु की सूचना मिली थी। मृतक महिला की पहचान सोनिया शर्मा बताई जा रही है। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला, बजाई खाली थालियां। महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने महंगाई विरोध के प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने खाली थालियां भी बजाई। साथ ही महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। मसूरी विधायक ने सौंपा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र, गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाने का किया अनुरोध। रविवार को नई दिल्ली में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाए जाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। विधायक जोशी ने रक्षा मंत्री को सौंपे पत्र में बताया कि देहरादून के छावनी क्षेत्र में गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज लगभग 100 वर्षों से संचालित हो रहा है, जिसमें क्षेत्र के गोरखा समुदाय तथा अन्य वर्गों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ा तोहफा, अभ्युदय कोचिंग का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू की जा रही है अभ्युदय कोचिंग में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। जो धन की कमी के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वे सभी विद्यार्थी अब बिना किसी बाधाओं के तैयारी कर सकेंगे और उनके लिए ये अभ्युदय कोचिंग वरदान साबित होगी, जिसमें निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। इस कोचिंग की प्रवेश परीक्षा शनिवार को कराई गई थी। मंगलवार के सभी मंडलों में फिजिकल और वर्चुअल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अयोध्या की तरह ही विकसित होंगे मेरठ समेत यूपी के 14 शहर। मुख्यमंत्री के प्लान तैयार करने का दिया आदेश। मेरठ शहर का विकास भी अयोध्या की भांति होगा। मुख्यमंत्री ने मेरठ समेत प्रदेश के कुल 14 शहरों के लिए अयोध्या की तर्ज पर डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। अयोध्या में विश्व स्तरीय सलाहकार की मदद से कोर सिटी और ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने में उन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है जिसे कोई भी देखे तो तारीफ करता रह जाए। इसके अलावा पर्यटन विकास, जल आपूर्ति, जल निकासी, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा विकास, सीवेज और सैनिटेशन, औपचारिक अपशिष्ट का पुनः उपयोग, स्मार्ट सड़क समेत कुल 10 बिंदुओं पर विशेष कार्य होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।